पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों पाकिस्तान की जेल में बंद है। उनको जेल से रिहा कराने के लिए और उनको जेल से छुड़ाने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके पसंद के लोग तरह तरह की कोशिशें करते हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को वहां की अदालत ने जेल का फैसला सुनाया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। उसके बाद चुनाव हुए, बावजूद उसके उनकी पार्टी नहीं जीती और उन्हें जेल में रहने का आदेश मिला और इस वक्त वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। लेकिन इस बार जो उनके कार्यकर्ता या फिर जिस किसी ने भी ये किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल आज भारत और पाकिस्तान का नसाऊ यानी कि अमेरिका के मैदान पर ग्रेटेस्ट राइवलरी हो रही है और वहां पर नेशनल एंथम यानी कि जब राष्ट्रगान होने वाला था दोनों देशों का, उस वक्त एक प्लेन उड़कर जाता है मैदान के ऊपर से, जिसके पीछे एक लेटर का लगा हुआ लिखा रहता है, रिलीज इमरान खान। हालांकि नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की बात तो की गई थी, लेकिन बिना परमिशन के वहां पर कुछ उड़ने का अलाउंस नहीं मिला था। स्नाइपर्स की व्यवस्था की गई थी भारत पाकिस्तान के मुकाबले को देखते हुए, सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। लेकिन हवा में इस तरह का कृत्य करने के बाद सोशल मीडिया पर अब पूरी तरह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब सही मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप तो अदालत ने प्रूव किए, ना कि किसी व्यक्ति ने, ना कि किसी सरकार ने, और अदालत का फैसला सर्वोच्च माना जाता है हर देश की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इन दिनों जेल में बंद हैं और अब ये रिलीज इमरान खान का जो ये प्लेन उड़कर गया था, इसके बाद जांच बैठाई गई है। अमेरिका में जांच हो रही है कि भाई ये क्यों किया गया, ये किसने किया, और इसकी जांच होने के बाद एक्शन भी लिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले ड्यूरिंग नेशनल एंथम ये चीज हुई है, सभी ने ये चीज देखी है और देखने के बाद इस चीज को अब एक्शन में लिया जा रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।